वालेकुम, मैं हूँ सर अहसन अब्दुल्ला पटेल। कंटिन्यू करेंगे लास्ट लेक्चर को। जनाब, स्लोप क्या चीज़ है? स्लोप कहते हैं ढलान को, इंक्लिनेशन को। स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेस के। तो जनाब, जितना आप परपेंडिकुलर बढ़ाएंगे स्लोप बढ़ेगा, जितना आप परपेंडिकुलर घटाएंगे स्लोप घटेगा, जितना आप बेस को बढ़ाएंगे स्लोप घटेगा, और जितना आप बेस को कम करेंगे उतना जो है वो स्लोप बढ़ता चला जाएगा। जरा परपेंडिकुलर को अगर आप कांस्टेंट कर दें तो बेस हो जाएगा, बेस को कांस्टेंट कर दें तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जनाब, स्लोप का फॉर्मूला बना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज़ बराबर होता है टेन थीटा के, वे थीटा इज़ द एंगल विद द बेस। ठीक, तो थीटा इज़ द एंगल विद द बेस लें या आप थीटा इज़ द एंगल विद द एक्स एक्सिस लें, एक ही बात है। तो अगर थीटा इज़ द एंगल विद द एक्स एक्सिस है तो फाई इज़ द एंगल विद द वाई एक्सिस है। जैसा कि हमें यहाँ नज़र आ रहा है डायग्राम में कि थीटा प्लस फाई जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। अगर यहाँ पर थीटा प्लस हो रहा है उधर जाकर माइनस हो जाएगा। अगर मैं अपनी तरफ से बोथ साइड टैन लगा दूँ तो टैन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी 1 अपॉन टैन थीटा। तो टेन थीटा होता है एम के बराबर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एम। तो जनाब, एम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टेन इधर फाइव जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एम का फॉर्मूला बनता है 1 अपॉन टेन फाइव, वेयर फाइव इज़ द एंगल विद द वाई एक्सिस एंड थीटा इज़ द एंगल विद द एक्स एक्सिस। अब हमने दो पॉइंट्स ले लिए हैं, एक पॉइंट हमने लिया है एक्स वन वाई वन। तो जनाब, ये हो जाएगा एक्स वन और ये हो जाएगा वाई वन। अगर ये पॉइंट एक्स टू वाई टू है तो जनाब ये डिस्टेंस हो जाएगा एक्स टू और ये डिस्टेंस हो जाएगा वाई टू। तो बेस बनेगा जनाब ट्राइंगल का एक्स टू माइनस एक्स वन, और परपेंडिकुलर बनेगा वाई टू माइनस वाई वन। तो एम का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो क्या होता है? अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो जनाब इनके एंगल विद द एक्स एक्सिस ज़ाहिर है सेम बनेंगे। जब इनके एंगल विद द एक्स एक्सिस सेम बनेंगे तो उनके टेंजेंट ऑफ एंगल भी सेम बनेंगे। जब टेंजेंट ऑफ एंगल सेम बनेंगे तो दोनों के स्लोप भी सेम बनेंगे। तो जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो स्लोप्स उनके बराबर होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो क्या होता है? तो जनाब, अगर ये एंगल इसका थीटा वन है लाइन वन का, और ये पूरा एंगल लाइन टू का थीटा टू है, तो डायग्राम में हमें दिख रहा है कि थीटा वन के अंदर अगर मैं 90 को ऐड करूं तो वो थीटा टू के बराबर बनता है। थीटा वन के अंदर 90 को ऐड कर रहा हूं मैं तो थीटा टू बनेगा पूरा। तो अगर मैं बोथ साइड टैन लगा दूं तो टैन थीटा प्लस 90 की आइडेंटिटी होती है -1 अपॉन टैन थीटा, और ये चीज़ बराबर है एम वन के, दैट इज लाइन वन का स्लोप। अगर ये उधर चला जाए तो पता ये चला कि एम वन मल्टीप्लाई बाय, दिस इज मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय एम टू इज इक्वल टू -1। इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू -1। ठीक जनाब, अब यहाँ पर एंगल बिटवीन द लाइन्स है, एक लाइन वन है हमारे पास जिसका एंगल है थीटा वन, एक लाइन टू है जिसका एंगल है थीटा टू, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जनाब, ये एंगल थीटा टू था तो यहाँ पर भी एंगल थीटा टू ही रहेगा, यहाँ पर एंगल थीटा वन था तो यहाँ पर भी थीटा वन रहेगा। एंगल बिटवीन देम, एंगल वाजे रहे कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनता है। तो जनाब, एंगल बिटवीन देम हमने यहाँ पर ले लिया थीटा। एंगल बिटवीन देम जब हमने थीटा लिया तो थीटा नज़र आ रहा है कि जनाब ये रही पूरी थीटा वन की वैल्यू और ये छोटी वैल्यू थीटा टू की है। अगर मैं थीटा वन में से थीटा को निकाल दूं, थीटा टू को निकाल दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? थीटा। तो थीटा बराबर होगा थीटा वन माइनस थीटा टू के, दैट इज लार्जर एंगल माइनस स्मॉलर एंगल। बोथ साइड टेन लगा दूंगा तो सीधे हाथ पे आइडेंटिटी बनेगी, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। फॉर्मूला बनेगा एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, क्योंकि ये एम वन की वैल्यू है और ये एम टू की वैल्यू है। ऐसा जब होगा जब थीटा वन बड़ा होगा थीटा टू से,
दैट इज आई कैन से के एंगल फ्रॉम लाइन टू टू लाइन वन बनेगा, और एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू होगा अगर थीटा टू बड़ा होगा थीटा वन से। तो हमने इससे बचने के लिए हमने क्या किया, हमने फ्रॉम द लाइन और टू द लाइन का कॉन्सेप्ट समझ लिया कि जनाब जब एंगल जहाँ से बनना शुरू होगा उसको फ्रॉम द लाइन कहते हैं, और जो टू द लाइन है, जो टू द लाइन है उसको हम